10 minutes charge, 2 hour total playback time. ANC mode and transparency mode available. Full touch control and noise cancellation for quality. हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में अनबॉक्स करने वाले हैं Realme Buds Air 2 की और फुल डिटेल रिव्यू देने वाला हूं। इसकी साउंड क्वालिटी, गेमिंग टेस्ट और उसका एक पर्सनल ऐप भी है, उसकी फुल डिटेल करने वाला हूं। तो वीडियो काफी मस्त होने वाली है, तो वीडियो का एंड तक जरूर से देखना। तो गाइस स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग साथ, लेट्स गो। सो बाहर से पैकिंग में आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी और अनबॉक्स करके भी बताता हूँ आपको। अनबॉक्स करते के साथ ही आपको एक मिलता है यूज़र मैनुअल, जो कि आता है हमारे इस कंपनी के थ्रू, और इसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी कि आप इसे किस तरीके से यूज़ कर पाओगे, है ना। और बाकी तो मैं आपको बता ही दूंगा इसे किस तरीके से यूज़ करना है, बाकी इसमें भी दिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है मेन ईयरबड, तो इसे अभी हम नहीं खोलेंगे, इसे अभी थोड़ा सा हल्ला घटा लेते हैं, साइड में रख लेते हैं। उसके अलावा आपको बॉक्स में टू साइड दिखेगी, एक साइड में आपको देखने को मिलने वाले हमारे कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स की बात करें तो हाँ, ये भी सिंथेटिक के हैं और लार्ज और स्मॉल साइज़ मिलेगा। मीडियम साइज़ आपको लगे हुए मिलेंगे, अगर आप चाहो तो इसे यूज़ कर सकते हो, बट यूजुअली तो मीडियम साइज़ काफ़ी बढ़िया प्रेफर रहते हैं। उसके अलावा आपको उसके जस्ट सामने ही देखने को मिलने वाला है हमारा टाइप सी केबल, येलो कलर में है टाइप सी केबल, एक रैपर के अंदर मिलता है। और अगर हम रैपर को अगर रिमूव करते हैं तो हमको देखते हैं इसमें क्या क्या देखने को मिलने वाला है। फुली येलो है, छोटी सी केबल, थोड़ी सी लंबी होती तो काफ़ी बढ़िया होता, बट कोई बात नहीं। इसके अलावा हमको ये बॉक्स में और कुछ नहीं देखने को मिलता है, ये रहा हमारे बॉक्स के कंटेंट। अब हम आते हैं हमारे मेन ईयरबड्स पे, इनको निकाल लेते हैं इसके पैकेजिंग के बाहर। अच्छी पैकेजिंग की बात करें तो, और ये रहे हमारे मेन ईयरबड्स। साइज़ की अगर बात करूँ तो साइज़ अगर आप मेरे इन हैंड में देखो तो साइज़ के आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हो गाइस कितना छोटा है। पॉकेट में यूज़ कर सकते हो, पॉकेट में लेके कहीं पे भी कैरी कर सकते हो, बहुत ज़्यादा छोटे हैं। और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आगे बताने वाला हूँ, बट करीब से देख लो। पीछे से आपको कुछ इस तरीके से दिखने में लगने वाला है ग्लोसी फिनिश, सामने में रियल में लिखा हुआ है। और राइट साइड में आपको एक छोटा सा बटन मिलता है जो कि आई थिंक रिकनेक्टिंग यानी सिंक का बूट करने का होगा, सिंक बूट करने का ऑप्शन है, बटन मिलता है आपको। नीचे टाइप सी केबल मिलती है चार्जिंग के लिए। इसके अलावा अगर बात करें तो काफ़ी अच्छी ग्लोसी फिनिशिंग के साथ आया है और काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं हमारे ये ईयरबड्स। तो अब इसे खोलते हैं और दिखाता हूँ आपके इसके अंदर का राज, ठीक है। तो वीडियो के लिए लाइक करना मत भूलना, ठीक है। ओपन कर चुका हूँ और ग्रीन लाइट का एक नोटिफिकेशन आता है जैसे ही आप ओपन करते हो, और हाइपर सिंक भी ये सपोर्ट करता है, ठीक है। अब हमारे निकालते हैं हम हमारे ईयरबड्स को, ओपन करने पे ग्रीन लाइट जोर से जलती है, ये बात मैंने अभी ईयरबड्स में देखी है। तो अब ओपन करते हैं और हमारे ईयरबड्स को निकालते हैं, उनके बारे में आपको और बताते हैं आज इसकी वीडियो में। तो ओपन करते ही यहाँ एक क्लिक की आवाज़ आती है बंद करते समय, जो कि काफ़ी सेटिस्फाई सी लगती है। और ये आते हैं हमारे दो ईयरबड्स, ठीक है। ये हमारा बॉक्स था, इसके रखते हैं साइड में, और अब आते हैं हमारे मेन ईयरबड्स पे। तो ईयरबड्स आप कुछ इस तरीके से देखने को मिलने वाले हैं, थोड़ा सा आउट ईयर टाइप का डिज़ाइन है, इन ईयर टाइप की डिज़ाइन नहीं मिलती है, ठीक है। और साइड में अगर आप इस साइड में देखो तो आपको छोटा सा माइक मिलता है, दोनों ही ईयरबड्स में आपको माइक मिलते हैं, ठीक है। और प्लास्टिक की बिल्ड है फुल ऑफ, सिंथेटिक का अगर देखोगे तो ईयर टिप है। और ये वाला एरिया पूरा टच कंट्रोल होने वाला है, आप अपने हैंड के थ्रू टच के थ्रू एक्सेस कर पाओगे। और साथ ही आपको इस तरीके से हमारे ईयरबड्स देखने को मिलते हैं। अब देखते हैं इसके गेमिंग टेस्ट के बारे में। लेटेंसी चेक करने से पहले मैं आपको इसे कनेक्ट करने की सारी जानकारी दे देता हूँ। जैसे आप उसे ओपन करते हो ये काफ़ी जल्दी कनेक्ट हो जाता है, बिकॉज ऑफ हाइपर सिंक ये सपोर्ट करते हैं। आप देख ही पा रहे हो स्क्रीन पर, हाइपर सिंक सपोर्ट करते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पे बेस बस्टर पे अगर आप सुनते हो तो काफ़ी ज़्यादा बेस आएगा, मिड्स और हाई जो देंगे वो पीछे छुप जाएंगे, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा डायनामिक या फिर क्लियर ऑडियो पे अगर स्विच करो जब आप कॉलिंग कर रहे हो। गेमिंग लेटेंसी भी आप ऑन कर सकते हो गेमिंग मोड के थ्रू। साथ ही आपको लास्ट में कस्टमाइज़ का ऑप्शन मिलता है, आप अपने हिसाब से टचेस को कस्टमाइज़ कर सकते हो। टचेस को कस्टमाइज़ करने के लिए आपको कस्टमाइजेशन वाले ऑप्शन पे जाकर अपने हिसाब से आपको टच सिलेक्ट कर लेना है। वैसे तो मैंने टच सिलेक्ट कर लिए हैं, और डबल टैप पे आप देख पा रहे हो सॉन्ग पॉज हो रहा है और सॉन्ग प्ले हो रहा है। वहीं यार अगर आप इसे लॉन्ग प्रेस करके रख दो तो हमारी सीरी या फिर हमारा असिस्टेंट वो ओपन हो जाता है। और अब मैं आपको इसे गेमिंग टेस्ट करके बता दूँ। Take frequent breaks and play responsibly. MSI आ रही है मेरी अंदर की वजह से। बहुत सही। The blue team has scored for the first time.
सो ओवरऑल अगर बात करें तो ये बड्स ने सरप्राइजिंगली चीज़ें दिखाई है, जैसे कि इसकी अगर साउंड क्वालिटी की बात करें तो इसके जो बेस है, बेस अगर बूस्टर अगर आप सिलेक्ट करते हो तो आपको काफ़ी मस्त और काफ़ी पंची सा बेस देखने को मिलने वाला है, क्योंकि बेस इसमें क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा मस्त है। कॉलिंग वगैरह करते हो तो आप क्लियर ऑडियो पे या फिर क्लियर वॉइस पे आप स्विच कर सकते हो। इसके आपको पूरा कस्टमाइजेबल ऐप मिलता है, जिसको आपने अभी वीडियो में देखा, वो सारी डिटेल अभी बता चुका हूँ आपको। साथ ही इसमें आपको 10mm के ड्राइवर्स मिलते हैं, जैसे आप इसे ऑन करोगे ग्रीन लाइट ओपन हो जाती है, जिसे हाइपर सिंक यानी गूगल हाइपर सिंक का सपोर्ट करते हैं। और कुछ मेन फीचर्स है जैसे कि ये ANC को सपोर्ट करते हैं, अगर आप ANC ऑन रखते हो ना तो 22.5 आवर का आपको टोटल प्लेबैक टाइम मिलता है, और अगर ANC बंद रखते हो नॉर्मली अगर आप इसे यूज़ करते हो तो 25 आवर का इसको प्लेबैक टाइम मिलता है विथ केस। और अगर विदाउट केस की बात करें तो आप इसे 4 से 5 घंटे विदाउट केस भी यूज़ कर सकते हो। और साथ ही अगर आप इसकी मेन फीचर्स की और बात करनी चाहे तो इसमें ट्रांसपेरेंसी मोड भी मिलता है आप लोगों को, जिसके थ्रू आप अपनी आवाज़ फिर से सुन सकते हो या फिर और किसी की भी सुन सकते हो। और इसमें कुछ मेन फीचर्स निकल के आए, लाइक इसमें कॉलिंग की बात करो तो कॉलिंग में काफ़ी क्लियर ऑडियो आती है, आवाज़ वगैरह सीधी से आ जाती है, बढ़िया तरीके से आ जाती है, कॉलिंग वगैरह करके देखी हमने। और एक ग्राफ लगा रहा हूँ आपके सामने, आप इससे देख के ये प्रिडिक्ट कर सकते हो किस तरीके की इसकी बड्स की क्वालिटी है। और अगर इसकी फील की बात करूँ तो हाँ गाइस, कान में काफ़ी बढ़िया तरीके से फील आ जाते हैं और बढ़िया तरीके से फिट हो जाते हैं कान में। और देखो, लगाते से ANC मोड पता चल जाता है कि बाहर की आवाज़ काफ़ी हद तक कम हो जाती है। उसके टचिंग वगैरह भी मैंने आपको बता दिया, आप ऐप से इसे कस्टमाइज़ कर सकते हो। बढ़िया चीज़ जो मिलती है वो मिलती है 10 मिनट्स अगर आप चार्ज करते हो 10 वोल्ट के फास्ट चार्जर से, तो आपको 2 आवर्स का प्लेबैक टाइम दे देंगे विदाउट केस। और काफ़ी बढ़िया लगा मुझे इसका ये फीचर भी। और हाँ गाइस, बिल्ड क्वालिटी फुल प्लास्टिक है, बट काफ़ी बढ़िया मटेरियल यूज़ किया गया है। ईयरबड्स ओवरऑल मुझे काफ़ी पसंद आए, आप कमेंट में जरूर से बताना आपको कैसे लगे। और कुछ मेन फीचर्स की बात कर सकते हैं, जैसे गेमिंग वगैरह आपको पूरी बताई मैंने, काफ़ी बढ़िया तरीके से गेमिंग वगैरह होती है इसमें। और कम्फर्ट लेवल की गाइस मैंने आपको भी बताया, कम्फर्ट लेवल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, अगर आप लगा के रखते हो तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और वाटर रेजिस्टेंट है, और हाँ गाइस, ये वाटर प्रूफ है, स्वेट वगैरह आता है जिम वगैरह करते हो कोई दिक्कत नहीं होने वाली आप लोगों को, बिल्कुल ये पूरा स्वेट प्रूफ वाटर प्रूफ देखने को मिलता है आप लोगों का। IPS6 की रेटिंग है जिसमें आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। सो गाइस, इसमें आपको, और ब्लूटूथ की बात करें तो इसमें आपको ब्लूटूथ जो कनेक्टिविटी मिलती है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव सी लगी मेरे को, क्योंकि ब्लूटूथ 5.2 की कनेक्टिविटी मिलती है, यानी कनेक्टिविटी आपको ज़्यादा मिलने वाली, प्लेबैक टाइम आपको ज़्यादा मिलने वाला है। साथ ही ट्रांसपेरेंसी मोड, ANC मोड, गेमिंग मोड और काफ़ी सारे बेस जैसे काफ़ी सारे फीचर्स। और इसका जो ईयरबड्स है काफ़ी ज़्यादा लाउड लगेगा, सीरियसली कह रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा लाउड थे और इनकी सारी चीज़ें काफ़ी लाउड है। बट एक चीज़ थोड़ी सी डिसएडवांटेज, अगर आप वोकल्स वगैरह अच्छे से सुनना चाहते हो तो ये हो सकता है आपको ये कंसिडर नहीं कर पाए, बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लाउड ऑडियो अगर आप सुनते हो तो काफ़ी ज़्यादा लाउड है, लाउडर, मच लाउडर। और अगर आप बेस बस्टर पर सुनोगे तो हाँ, बेस के कारण मिड्स और लोज जो है कारण कहीं चिप से जाते हैं, इस कारण से आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बाकी तो इस इन ईयरबड्स में कोई दिक्कत नहीं है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरीके की और अनबॉक्सिंग वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना। हाँ, मिलते हैं इस तरीके की और अनबॉक्सिंग वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय। और गाइस, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जरूर चेकआउट करना।